हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल एजुकेशन हब इजी वे। सो गाइस, हम बात करेंगे यहाँ पर हिंदी के पेपर की जो 20 तारीख को हुआ है, 20 सितंबर 2020 को हुआ है। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे एक्सप्लेन करते हुए। तो गाइस, ये आर ओ का सेकंड पेपर है, यानी हिंदी का पेपर है। और यहाँ पर हम जो सीरीज यूज कर रहे हैं उसकी सी सीरीज है, यानी सी कोड की सीरीज है। तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं, अच्छे से समझते हुए चलेंगे इसके जो करेक्ट आंसर हैं। चलिए हम शुरू करते हैं इसको। इसका पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है वाला पूछा है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी सॉरी डी होगा, यानी इसका जो भारती है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, वो किसका पर्यायवाची है, वो है सरस्वती का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। देखिएगा, इस यहाँ भी नहीं है वाला पूछा है, तो वस्त्र, पट और वसन ये तीनों कपड़े के पर्यायवाची है, लेकिन जो वासन है वो कपड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, इसमें भी नहीं है पूछा गया है, तो इसमें जो मेघ का पर्यायवाची है दामोदर, वो नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, पर्योधर, जलधर और वारीधर ये सारे क्या हैं, मेघ के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, इसमें पूछा गया है अभिभूत का सही विलोम शब्द है, यानी इसमें क्या है, इसका अपोजिट पूछा गया है विलोम शब्द। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, तिरोभूत, यानी तिरोभूत इसका विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्षणिक का सही विलोम शब्द, इसमें क्षणिक का विलोम शब्द पूछा है, तो इसका क्षणिक का विलोम शब्द हो जाएगा शासक, यानी इसका जो आंसर नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, अग्रज का विलोम, इसमें भी विलोम पूछा गया है, अग्रज का विलोम क्या होता है, अनुज होता है, तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह है, यानी इसमें एक जो जोड़ा है वो क्या है, गलत है, गलत वाला हमें देखना है कि कौन सा गलत है। तो इसमें अमित पहला वाला है, अमित, परिमित ये राइट है, सत्कार का तिरस्कार ये भी राइट है, दुख का सुख ये भी राइट है। तो इसका जो आच्छित का परिच्छिन्न है, परिच्छिन्न है ये, तो ये क्या है इसका, यानी सी वाला है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है, इसमें भी 8th वाले क्वेश्चन में क्या है, गलत वाला, यानी एक जोड़ा है वो क्या है, गलत है, वो देखना है। तो इसमें भी क्या है, अपोजिट के हिसाब से पूछे गए हैं, यानी ये भी विलोम शब्द है। तो मौन का मुखर होता है, मौन यानी शांत रहना, मुखर यानी बोलते रहना, शानदार और शर्मनाक ये भी ठीक है, बर्बर और शब ये भी ठीक है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी गलत वाला पूछा है, अनुचर का परिचर, यानी अनुचर का परिचर नहीं होता है, अनुचर का क्या होता है, प्रतिचर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द देखना है हमें कि कौन सा राइट है। तो इसमें चिन्ह है, इसको सही नहीं लिखा गया है, विरुवत ये भी सही नहीं है, ब्रहणी ये भी सही नहीं लिखा है, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुग्रहित, यानी अनुग्रहित जो शब्द है बिल्कुल सही लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, चलिए 10 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करो, तो देखिए इसमें भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें देखना है, इसमें जो शुद्ध एकदम राइट लिखा हुआ है वो क्या है, आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्योत्सना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, इसमें देखना है हमें अशुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है। तो 11 का डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा, अनुग्रहित। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में देखा था अनुग्रहित कैसे लिखा हुआ था, तो अनुग्रहित यानी जो गा है इसमें इस तरीके से रा निकलेगा नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, वह है, हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा जो वाक्य है एकदम से सही लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। इसका जो सही वाक्य है पहला वाला, इसमें जो वाक्य है वो क्या है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा क्या है, यानी ए ही सही हो जाएगा, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए
कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, यानी बहुत सारी पुस्तकें पढ़े, बाकी के जो आंसर है वो गलत है। तो हमें राइट शुद्ध वाला देखना था, यानी आंसर नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 पूछा गया, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है। अशुद्ध वाक्य देखना है, यानी कौन सा वाक्य सही नहीं लिखा है। तो इसका आंसर नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। तो ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हम देखेंगे 14, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसका कोई शत्रु नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, अजात शत्रु, बिना शत्रु वाला। खोज, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, खोज करने वाला इस वाक्य के लिए एक शब्द है। तो खोज करने, जो रिसर्च करता है, खोज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अन्वेषण। आंसर नंबर ए इसका पहला आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको हम क्या बोलेंगे, सुग्रीवा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यानी जिसका अनुभव हम इंद्रियों के द्वारा नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं, अतींद्रियां। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का भी एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त शब्दों की निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। इसमें हमें एक सही जोड़ा देखना है, राइट जोड़ा क्या है। जो स्त्री अभिनय करें, तो अभिनय करें उसको अभिनेता नहीं अभिनेत्री बोलेंगे। नेक्स्ट है जो व्याकरण जानता हो, ठीक है, जो व्याकरण जानता हो उसको हम क्या बोलेंगे, व्याकरण। यानी इसको हम लिखेंगे कैसे, व्याकरण जानने वाले को हम बोलेंगे व्याकरण, इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी क्या है, गलत है, लेकिन हमें यहाँ पर देखना है सही युग्म देखना है। नेक्स्ट है जो आँखों से परे प्रत्यक्ष, यानी आँखों से परे, परे यानी दूर है, तो इसको हम अप्रत्यक्ष बोलेंगे ना कि प्रत्यक्ष बोलेंगे। लौट आया हुआ इसको बोलेंगे प्रत्यागत। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर डी एकदम राइट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, हमें तत्सम देखना है। तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत भाषा से बने होते हैं, यानी जो संस्कृत से ही जैसे कि जैसे यूज होते हैं। तो यहाँ पे हमें तत्सम देखना है, तत्सम इसमें क्या है, ओष्ठ, यानी आंसर नंबर डी एकदम राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, परिवाह का तत्सम रूप, इसमें भी तत्सम पूछा है। तो परिवाह का तत्सम रूप क्या होता है, प्रतिपदा। आपने जो हिंदी वाले जो मंथ होते हैं, परवाह, दोष, तीज, तरीके से आप देखोगे तो आप कैलेंडर देखोगे, हिंदू का कैलेंडर, उसमें परिवाह को क्या लिखा होता है, प्रतिपदा लिखा होता है, लेकिन लोग उसको क्या बोलते हैं, परिवाह। तो उसका ही परिवाह का क्या है, ये तत्सम रूप होता है, प्रतिपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कि इसमें निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का एक संगत युग्म है, यानी एक तत्सम होगा और एक तद्भव होगा उसमें, तो उसका हमें राइट आंसर कौन सा होगा, इसमें राइट होगा यहाँ पर पर्यंक फलंग, यानी आंसर नंबर इसका सी एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, यहाँ पर हमें तद्भव शब्द देखना है। यहाँ पर तद्भव शब्द कौन सा होगा, इसमें आंसू, आंसू क्या है, ये तद्भव शब्द है। कफित का तद्भव शब्द, इसमें भी हमें तद्भव देखना है, इसका आंसर नंबर बी राइट है, कहता। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, यानी गुणवाचक, इसमें कोई गुण हो तो गुणवाचक विशेषण हमें देखना है, उचित। अगर हम किसी को बोलेंगे ये चीज़ उचित है, यानी उसका उचित होना, सही होना क्या है, उसका एक गुण होता है। तो आंसर नंबर इसका ए एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, यानी हमें ऐसा विशेषण बताना है जो संज्ञा से नहीं बना है। तो इसका आंसर नंबर सी एकदम राइट है, सुंदर, जो किसी संज्ञा से, किसी नाम से नहीं बना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा, यानी पहला आंसर इसका राइट है, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 में पूछा गया है, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है, यानी सौर वर्ड किससे बना है, सौर किससे बना है, सूर्य से बना है, यानी सौर ऊर्जा, आपने सुनी होगी, सौर ऊर्जा किसको बोलते हैं, तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, हमें विशेषण देखना है, तो इसका आंसर नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। विशेषण का मतलब क्या है, जो किसी की विशेषता बताता हो, तो अग्नि, अग्नि का मतलब क्या होता है, यानी अग्नि चट्टाने होती हैं जो उसके बारे में बोला जाता है, तो ये उसकी विशेषताएँ बताता है। नेक्स्ट आंसर नंबर 29, आकाश का पर्यायवाची शब्द, आकाश का पर्यायवाची शब्द बताना है हमें, इसमें क्या होगा, शून्य होगा, यानी आकाश की कोई अनंत तक होता है, अनंत तक उसको देखा जा सकता है, उसकी कोई पॉइंट नहीं होता, तो इसलिए क्या बोला गया है, इसको शून्य बोला गया है। वैसे सही वर्ड क्या होता है, उसका अनंत होता है, तो अनंत यहाँ कुछ है नहीं, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसको शून्य, ये इसका राइट है। नेक्स्ट है सोना का पर्यायवाची शब्द, इसका राइट आंसर है डी, ये तो सभी को पता होगा, कनक, कनक, कनक से सौगुनी, ये आपने सुना होगा, तो कनक का मतलब धतूरा भी होता है और सोना भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इसमें पूछा गया है उसके प्राण फकीरू उड़ गए, तो यहाँ पे हमें फकीरू वर्ड का पर्यायवाची बताना है, फकीरू किसको बोलते हैं, पक्षी को बोलते हैं, आंसर नंबर ए इसका एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है वाला पूछा गया है, तो इसमें सुधाकर, सुधांशु, सुधाधर, ये सारे क्या हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, लेकिन इसमें जो सलील है वो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, इसमें हमें माता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अम्ब होता है, अम्बा भी होता है, जननी भी होता है, लेकिन अम्बु माता का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, भौतिक का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पे हमें भौतिक का पर्यायवाची शब्द देखना है, तो भौतिक का क्या होता है, आध्यात्मिक, आंसर नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर है। तो हमारा 35, प्राची शब्द का विपरीतार्थ है, यानी प्राची का हमें क्या बताना है, यहाँ पे विपरीत शब्द बताना है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्या है इसका, प्रतीचि, इसका विपरीत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, समिष्टि का विलोम शब्द है, समिष्टि का हमें विपरीत बताना है, विलोम शब्द बताना है, तो वो क्या होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, व्यष्टि। क्वेश्चन है हमारा 37, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है, हमें यहाँ पर जो विलोम शब्द में से एक क्या है, इसमें एक जोड़ा पुर क्या है, रॉन्ग है, वो हमें बताना है, तो इसका आग्रह विग्रह, आग्रह विग्रह क्या हो जाता है, इसका एकदम राइट, यानी आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है, अभी हमने क्या बताया था गलत, अब हमें इसमें बताना है सही युग्म कौन सा, सही जोड़ा कौन सा है, तो वो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, आदरत निरादरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ए, यानी दैदीप्यमान, दैदीप्यमान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है, इसमें जो पौराणिक है इसकी जो मात्रा है उड़ा की, वो कहाँ से आएगी, आगे से चढ़ेगी, तब वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित 47 है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, हमें इसमें शुद्ध वाक्य देखना है कि कौन सा वाक्य एकदम से शुद्ध है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये इसका क्या है, एकदम शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है, इसमें भी हमें शुद्ध वाक्य देखना है कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट हो जाएगा, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें हमें देखना है अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसमें हम देख लेते हैं अशुद्ध वाक्य, इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, यानी देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला वर्ड, यानी परंपरा से चली आ रही, परंपरा से मतलब पहले से चली आ रही बात के लिए हमें क्या करना है, इस एक प्रयुक्त वर्ड, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अनुश्री। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसके पास कुछ नहीं होता इसको हम क्या बोलते हैं, अकेचन, यानी बी इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है 46, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसके लिए
एक शब्द जो स्वेद से उत्पन्न होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, यानी स्वेदज। आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47। अपरिहित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त किया गया है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। जिसका परिणाम ना निकलता हो, जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रतिकर ना हो। यानी इसमें पूछा क्या है, अपरिहित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो आपने देखा होगा जो शादी कार्ड्स वगैरह होते हैं उसमें लिखा रहता है परिहित वर्ड, तो वो इसमें क्या लगा है, अपरिहित। अपरिहित यानी जिसका विवाह ना हुआ हो। तो इसका आंसर नंबर बी एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निर्विचार प्रयुक्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार। ठीक है, जिसे दूर करना कठिन हो, यानी आंसर नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इसमें हमें 49 का तत्सम शब्द देखना है। तत्सम शब्द इसमें क्या है, जीड, यानी बी आंसर इसका एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। अघन का तत्सम रूप कौन सा है, इसमें अघन का तत्सम रूप हमें बताना है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, अग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51। निम्नलिखित में से तत्भव शब्द है, इसमें हमें तत्भव शब्द देखना है 51 में, तो वो है हमारा 14, तत्भव देखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। अभ्यांतर का तत्भव शब्द है, इसमें हमें अभ्यांतर का तत्भव शब्द बताना है। तो अभ्यांतर का मतलब होता है अंदर और भीतर, दोनों राइट हैं, लेकिन इसमें हमें तत्भव पूछा है, तो इसका जो तत्भव होगा वो क्या होगा, भीतर होगा। तत्सब पूछा जाता तो अंदर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। चलिए देख लेते हैं 53 क्वेश्चन है। करपट का तत्भव रूप है, इसमें भी तत्भव पूछा गया है। तो करपट का जो तत्भव रूप है वो क्या है, कपड़ा है, यानी इसका आंसर नंबर डी एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। 54 में हम देख लेते हैं क्या पूछा गया है। वह बहुत खाता है, इस वाक्यांश में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है हमें देखना है। तो बहुत का मतलब कुछ निश्चित नहीं है कि कितना खा रहा है, तो साफ सीधे से हमें पता चल रहा है ये अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। तो आंसर नंबर इसका डी एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का एक प्रयोग किया गया हो, इसमें कोई गुणवाचक विशेषण हो, तो वो क्या है, हमारा आंसर नंबर ए एकदम राइट है कि वह नटखट बालक। बालक का गुण क्या है कि वो नटखट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है। तो वो चंचलता उसकी क्या बता रही है, गुण बता रही है। तो इसका आंसर नंबर बी एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। तो ये मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, मानस से, मनुष्य, यानी आंसर नंबर सी इसका एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। तो चारित्रिक हम किसको बोलेंगे, जिस चरित्र को लेकर, इसका ये चारित्रिक ऐसा है, तो यानी इसके चरित्र के बारे में बात की जाती है। तो आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। मीमांसा शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होता है, समालोचन। आंसर नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली का पर्यायवाची शब्द। तो बिजली का यहाँ पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बी, यानी सौदामिनी। आंसर नंबर बी इसका राइट है। तो ये थे इसके 60 पूरे क्वेश्चन। गाइस एक बार आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट भी दीजिए। धन्यवाद।